हेलो दोस्तों, आई लोग बनाए हैं बिना मैदे का गेहूं के आटे से ढेर सारे समोसे, जो दोस्तों बनाने में बहुत आसान है और खाने में उतना ही लाजवाब है। तो दोस्तों आज हम लोग जो समोसा बनाए हैं, अगर हमारे तरीके से बनाएंगे तो आपके जो समोसे हैं बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही क्रंची बनेंगे। तो आप एक बार हमारे तरीके से घर पर ट्राई ज़रूर करें और बहुत आसानी से बन भी जाता है। हेलो दोस्तों, मैं हूं अंकित और अंकित कुकिंग सीक्रेट्स में आपका स्वागत है। तो चलिए दोस्तों बनाना स्टार्ट करते हैं। तो समोसा बनाने के लिए एक कटोरी हम लोग गेहूं का आटा लिए हैं और इसी के साथ दोस्तों हम लोग आधा कटोरी ये सूजी लिया है। तो इससे दोस्तों हम लोगों का जो समोसा है बहुत ही क्रिस्पी बनेगा। और इसी में हाजमे के लिए एक चम्मच हम लोग अजवाइन को ऐड कर देंगे, तो इसको भी इसी में डाल देंगे। और आधा चम्मच दोस्तों हम लोग कलौंजी भी लिया है, तो इसको भी डाल करके और डालने के बाद दोस्तों इसको अच्छे तरीके से हम लोग मिला देंगे ताकि हम लोगों का अजवाइन जो है वाटे में अच्छे से मिल जाए। और खस्ता बनाने के लिए हम लोगों ने देसी घी का इस्तेमाल किया है। आप चाहें दोस्तों तो वनस्पति या रिफाइंड ऑयल भी डाल सकते हैं। और इसी में स्वाद के अनुसार हम लोग नमक को भी डाल देंगे और डालने के बाद इसको अच्छे तरीके से हम लोग मिला देंगे। तो दोस्तों देखिए हम लोगों का जो मेन है कितनी अच्छे तरीके से मिल चुका है। तो चलिए दोस्तों हम लोग इसको अब सान लेते हैं। तो दोस्तों समोसा का जो आटा होता है थोड़ा हार्ड ही लगता है, तभी हम लोगों का जो समोसा है बहुत ही क्रिस्पी बनता है। तो देखिए इसको अच्छे तरीके से हम लोग आटे को सान लेंगे। तो दोस्तों देखिए हम लोगों का आटा जो है सनकर तैयार हो चुका है। तो इसको हम लोग 10 मिनट के लिए रेस्ट पर छोड़ देते हैं। तब तक चलिए मसाला बना लेते हैं। तो मसाला बनाने के लिए एक कढ़ाई में हम लोग 3 बड़े चम्मच कुकिंग ऑयल को ऐड कर देंगे और इसी में डाल देंगे पंचफोरन। तो दोस्तों पंचफोरन में जीरा होता है, अजवाइन होती है, मेथी होता है और कलौंजी होती है। तो इसको चटकने के बाद हम लोग कुटा हुआ लहसुन है तो इसको भी डाल देंगे। तो लो दोस्तों लहसुन डालने के बाद इसको अच्छे तरीके से हम लोग भून लेंगे। और इसी में स्पाइसनेस के लिए हरी मिर्च को काटा है तो इसको भी डाल देंगे। और डालने के बाद दोस्तों इसको हम लोग 3 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे। और भूनने के बाद इसी में हम लोग ये मूँगफली लिया है तो मूँगफली को डाल देंगे और इसको भी हम लोग अच्छे तरीके से भून लेंगे। आप चाहें दोस्तों तो हरी मटर भी डाल सकते हैं, लेकिन हम लोगों ने मूंगफली डाला है। और इसी में हम लोग आधा चम्मच हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे और आधा चम्मच धनिया पाउडर है और दोस्तों आधा चम्मच आमचूर पाउडर को भी ऐड कर देंगे। और इसी में हम लोग आधा चम्मच सूखी लाल मिर्च है। तो डालने के बाद इसको हम लोग 2 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे। तो दोस्तों भूनने के बाद इसी में हम लोग आधा चम्मच गरम मसाला है तो इसको भी डाल देंगे। और डालने के बाद इसको अच्छे तरीके से दोस्तों जो मसाला है देखिए भुनकर तैयार हो चुका है। तो इसी में हम लोग ये उबले हुए आलू लिया था तो इसको हाथों से मैश करके इसी में दोस्तों डाल देंगे। और आलू डालने के बाद इसी में स्वाद अनुसार हम लोग नमक को भी डाल देंगे। और नमक डालने के बाद हम लोग इसी में आधा चम्मच चिली फ्लेक्स लिए हैं तो इसको भी डाल देंगे। और डालने के बाद दोस्तों इसको अच्छे तरीके से हम लोग मिला देंगे। तो दोस्तों मसाला जो है वो अच्छे तरीके से भूनना बहुत ज़रूरी है, तभी हम लोग जो मसाले इसमें डाले हैं उसका फ्लेवर जो है वो अच्छे से आएगा इसमें से। तो इसको हम लोग मीडियम फ्लेम पर दोस्तों मसाले को अच्छे से भून लेंगे। तो देखिए दोस्तों जैसे जैसे हम लोग मसाला को भूनते जाएंगे जो इसका खुशबू है दोस्तों बहुत ही परफेक्ट आ रहा है। तो इसी में हम लोग फ्रेश धनिया है तो इसको भी डाल देंगे। आप चाहें दोस्तों तो कसूरी मेथी को भी डाल सकते हैं। तो धनिया डालने के बाद इसको अच्छे तरीके से हम लोग दोस्तों मिला देंगे। और देखिए हम लोगों का जो आलू का मसाला है बनकर तैयार हो चुका है। तो इसको हम लोग अब नीचे उतार देंगे। और इधर दोस्तों हम लोगों का जो आटा है देखिए अच्छे तरीके से खिल चुका है। तो इसको हम लोग अब छोटे छोटे लोई इसका काट लेंगे। तो दोस्तों आप जितने बड़े समोसे या छोटे समोसे बनाना चाहते हैं तो अपने अनुसार से आप लोई छोटी बड़ी काट सकते हैं। तो देखिए हम लोगों ने मीडियम साइज़ में लोई को काटा है। और लोई काटने के बाद इसका दोस्तों हम लोग छोटे छोटे पेड़े बना लेंगे। तो देखिए देखिए दोस्तों हम लोगों का जो पेड़े हैं बनकर तैयार हो चुके हैं। चलिए अब इसको बेल लेते हैं। तो समोसा का पूड़ी बेलने के लिए दोस्तों हम लोगों ने लंबे आकार में इसको बेला है। तो दोस्तों गेहूं का जो आटा होता है वो बेलने में भी कोई दिक्कत नहीं होता है। तो इसको हम लोग अच्छे तरीके से देखिए लंबे शेप में बेल लिया है। और बेलने के बाद दोस्तों इसको हम लोग चाकू की सहायता से बीच से काट देंगे।
और काटने के बाद देखिए हम लोग को जो समोसा की पूड़ी है बनकर तैयार हो चुकी है। तो इसी तरह हम लोग दूसरा पूड़ी भी बेल लेते हैं। तो दोस्तों पूड़ी बेलने के लिए देखिए हम लोग लंबे शेप में ही पूड़ी को बेला है। तो गेहूं का आटा है दोस्तों, तो बहुत आसानी से बेल भी जाता है। तो देखिए इसको हम लोगों ने बेल लिया, बीच से इसको भी चाकू से काट लेंगे। और चाकू से काटने के बाद देखिए हम लोग जो पूड़ी बनकर तैयार हो चुकी है। तो चलिए फिलिंग कर लेते हैं। तो फिलिंग करने के लिए दोस्तों हम लोग एक पूड़ी लेंगे और साइड में इसके पानी लगा देंगे, और पानी लगाने के बाद बीच से हम लोग फोल्ड कर देंगे। और दोस्तों जो किनारा है इसको अच्छे तरीके से सील कर देंगे ताकि हम लोग जब फ्राई करें तो जो मसाला है वो बाहर ना आए। और इसी में हम लोग मसाले को भर देंगे, और मसाला भरने के बाद दोस्तों किनारे पर पानी लगा देंगे, और पानी लगा करने बाद इसको हम लोग फोल्ड कर देंगे और फोल्ड कर देखिए प्रेस कर देंगे। तो देखिए दोस्तों हम लोगों का जो समोसा है बनकर तैयार हो चुका है। तो इसी तरह हम लोग दूसरा भी बना लेते हैं। दोस्तों किनारे पर सबसे पहले हम लोगों को पानी लगाना है। पानी लगाने से दोस्तों अच्छे से चिपक जाता है और खुलता नहीं है। और इसको हम लोग एक साइड से फोल्ड कर देंगे, और फोल्ड करने के बाद इसको अच्छे तरीके से प्रेस कर देंगे। और प्रेस करने के बाद देखिए इसी में हम लोग फिलिंग को भर देंगे। तो दोस्तों समोसा बनाना बहुत ही आसान है। एक बार आप घर पर हमारे तरीके से ट्राई ज़रूर करिएगा, और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करिएगा, लाइक भी करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। तो देखिए दोस्तों इसी तरीके से हम लोगों का जो समोसा है वो बनकर तैयार हो चुका है। तो दोस्तों चलिए अभी समोसों को हम लोगों को फ्राई करना है। तो फ्राई करने के लिए दोस्तों एक बात का ध्यान रखना है, जो तेल का टेम्परेचर है हम लोग उसको लो ही रखेंगे, तभी हम लोग इसमें जो समोसे हैं सारे समोसे को ऐड कर देंगे। और दोस्तों जैसे हम लोग समोसे को ऐड कर देंगे जो फ्लेम है हम लोग मीडियम कर देंगे ताकि हम लोग जो समोसे हैं वो धीरे धीरे पके। तो देखिए दोस्तों हम लोगों का जो समोसा है वो अब दोस्तों अच्छे तरीके से कलर भी आना स्टार्ट हो चुका है। तो इसी तरह हम लोग इसको चलाते रहेंगे और इसको पकाते रहेंगे। तो दोस्तों समोसा पकाने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन इसको आराम से ही पकाएंगे तभी जो इसका क्रिस्पनेस है दोस्तों अच्छे तरीके से आएगा। क्योंकि दोस्तों हम लोगों ने गेहूं का आटा इस्तेमाल किया है तो इसको अच्छे तरीके से पकाना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए हम लोगों का जो समोसा है कितना परफेक्ट बना है। तो एक बार हमारे तरीके से आप घर पर ट्राई ज़रूर करें, और दोस्तों इसको चलाते रहेंगे इसी तरह ताकि हम लोग जो समोसा है वो चारों तरफ से अच्छी तरीके से पके। तो देखिए हम लोगों का जो समोसा है दोस्तों बनकर तैयार हो चुका है। तो इसको हम लोग अब प्लेट में निकाल लेंगे। देखिए है ना एकदम बाजार जैसा। तो दोस्तों अगर आप मैदा खाना नहीं चाहते हैं तो आप गेहूं के आटे से भी इस तरीके से समोसे बना सकते हैं, बहुत ही परफेक्ट बनता है। तो उसी तरह दोस्तों हम लोग दूसरा बैच को भी फ्राई कर लेंगे। तो दूसरा बैच फ्राई करने के लिए फिर हम लोग तेल को ठंडा करेंगे, तभी दोस्तों इसमें समोसे को ऐड करेंगे, तभी जो हम लोगों का समोसा है वो अच्छे तरीके से फ्राई होगा और बहुत ही क्रिस्पी भी बनेगा। तो देखिए इसमें जैसे ही बुलबुले आने लगेंगे तो हम लोग इसको चलाते रहेंगे ताकि हम लोग जो समोसा है वो ज़्यादा लाल ना हो। तो देखिए दोस्तों हम लोग जो समोसे हैं वो बनकर तैयार हो चुके हैं। तो इसको भी हम लोग निकाल लिया दोस्तों, पहला वाला जैसे हम लोग निकाला वैसे देखिए ख़त्म हो गया। तो देखिए दोस्तों बहुत ही परफेक्ट बना है। तो एक बार हमारे तरीके से घर पर ट्राई ज़रूर करें, और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद।